वीर को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वे तो देवदार के वृक्ष की तरह। देवदार के वृक्ष कैसे होते हैं? वो सीधा तने वाले वृक्ष होते हैं, जो ऊंचा पेड़ की तरह होते हैं, पत्ते लंबे होते हैं और लकड़ी मजबूत होती है। तो वो बोल रहे हैं कि देवदार के वृक्ष की तरह जीवन के जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं, और बिना किसी के पानी दिए और ना ही कोई उनको दूध पिलाता है, और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं, और दुनिया के मैदान में अचानक ही सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं दिखावे के लिए आगे आते हैं छाती ठोक कर और फिर पीछे हट जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बुजदिली कहते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समझते हैं कि जो हमारा जीवन है वो ज़रा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। वो ये सोचते हैं कि बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, बार बार तो नहीं किया जा सकता। हाँ, काया पुरुष इसे बड़ी ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल व जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। तो जो डरपोक पुरुष होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वो जो गोली है वो बड़ी कीमती है, कभी ना टूटने वाला हथियार है, वो क्या सोचते हैं कि यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे पीछे हट जाते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हम किसी अधिक बड़े काम के लिए अपनी जान को बचा लें। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं।